कैसे भागता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एवरग्रीन हिंदी सिनेमा। दोस्तों रोज की तरह आज की हमारी इस नई वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं 80 और 90 के दशक में पांच कलाकार छोटे पर्दे पर यानी कि दूरदर्शन पर राज किया करते थे। पांचों घर घर मशहूर थे, मगर इनके चाहने वालों को पता ही नहीं है कि पांचों का अंत कितना दर्दनाक हुआ था। चलिए हम आपको पुराने दौर में ले चलते हैं और इनकी दर्दनाक मौत की दास्तां सुनाते हैं। 80 और 90 का दौर दूरदर्शन का दौर हुआ करता था। छोटे पर्दे पर एक अभिनेता ने बड़ा नाम कमाया था। अगर आपकी नहीं धुंधलाई है तो चेहरा आपको हल्का सा याद ही होगा। इनको लोग मास्टर योगी के नाम से पहचाना करते थे। वैसे इनका असली नाम मोहन गोखले था। मोहन गोखले ने कई टीवी शो और फिल्मों में काम किया था, लेकिन कॉमेडी शो मास्टर योगी के जरिए इन्हें लोकप्रियता मिली और इसी शो के कारण इन्होंने लोग मास्टर योगी के नाम से जानने लगे। लेकिन हार्ट अटैक 1999 को मास्टर योगी की मौत हो गई और इसकी जानकारी कई लोगों को नहीं है। दरअसल मोहन गोखले की मौत कमल हसन की एक फिल्म राम के दौरान हुई थी। इस फिल्म की शूटिंग के समय एक रात अचानक उन्हें हार्ट अटैक आया और इनका निधन हो गया। वहीं इस लिस्ट में दूसरा नाम है अभिनेता समीर खक्कर का। समीर खक्कर दूरदर्शन से चर्चित धारावाहिक नुक्कड़ में खोपड़ी के जरिए फेमस हुए थे। इसी के साथ समीर ने 90 के दशक की फिल्मों में भी काम किया, जहां से उन्हें अच्छी पहचान मिली। लेकिन फिल्मों में काम करने से कुछ दिन बाद अमेरिका चले गए। यहां उन्होंने जावा कोरियर के रूप में नौकरी की थी, लेकिन साल 2008 में इनकी नौकरी छूट गई और वो वापस भारत चले गए। और यहां पर उन्होंने डीडी मेट्रो के धारावाहिक श्रीमान श्रीमती संजीवनी हंसी तो फंसी, जय हो पटेल की पंजाबी शादी जैसे फिल्मों में काम किया। साथ ही G5 की वेब सीरीज सनफ्लावर में भी नजर आए थे। लेकिन उनका निधन के समय उन्हें कोई भी नहीं जानता था। वो दूरदर्शन के चर्चित धारावाहिक नुक्कड़ में खोपड़ी के एक्टर हैं। समीर खक्कर को सांस लेने में तकलीफ समेत कई अन्य मेडिकल समस्या थी, जिसकी वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका निधन हो गया। इस लिस्ट में तीसरा नाम आता है अभिनेत्री प्रिया तेंदुलकर का, जो 70 और 80 के दशक में कई टीवी सीरियल्स में काम किया करती थी। अपनी एक्टिंग के जरिए फैंस के बीच अपनी अलग जगह बनाई। लेकिन पर्दे पर आने से पहले प्रिया ने रिसेप्शनिस्ट की नौकरी की थी। इसके बाद वह एक एयर होस्टर भी बनी थी। वो पार्ट टाइम मॉडल का काम करती थी, साथ ही न्यूज रीडर का भी काम किया करती थी। वहीं साल 1974 में प्रिया फिल्म अंकुर में डेब्यू किया और यहां से उन्होंने पर्दे पर एंट्री की। पर्दे पर एंट्री के साथ उन्होंने मराठी फिल्मों और कई फैमिली शोज में भी काम किया। लेकिन प्रिया की लोकप्रियता तभी बढ़ी जब उन्होंने 1985 में आए टीवी शो रजनी में काम किया। यहां से उन्होंने घर घर में रजनी के नाम से फेमस हो गई। इसी के साथ प्रिया तेंदुलकर टीवी शो में जिम्मेदार कौन है में भी दिखाई दी, लेकिन को-स्टार करण राजकरण से प्यार हो गया और इन दोनों ने 1988 में शादी की। लेकिन शादी 1995 में ही दोनों तलाक हो गया। इसी के साथ कैंसर जैसे घटक बीमारी ने घेर लिया और इसी बीमारी की वजह से 47 साल की उम्र में 19 सितंबर 2002 को हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। इसी लिस्ट में अगला नाम आता है एक्टर जसपाल भट्टी का। जसपाल भट्टी 90 के दशक में फेमस कलाकार में से एक थे। जसपाल भट्टी दूरदर्शन के लिए एक और धारावाहिक फ्लॉप शो से लेकर जो बहुत ही प्रसिद्ध था, और यहां से उन्हें कॉमेडी वाले एक्टर के नाम से जाना जाने लगा। वहीं देश की समस्याओं पर कॉमेडी का तड़का लगाकर उन्होंने पेश किया और इसके जरिए वो काफी फेमस भी हुए। इसी के साथ जसपाल भट्टी ने टीवी के लिए फुल टेंशन, हाय जिंदगी, बाय जिंदगी और थैंक यू, जीजा जी कैसे कार्यक्रम किए, साथ ही फिल्म फना, कुछ मीठा हो जाए, कुछ न कहो, कोई मेरे दिल से पूछे, हमारा दिल आपके पास है, आ अब लौट चले, कारतूस में काम किया। लेकिन इस अभिनेता का अंत बहुत बुरा हुआ था। मशहूर कॉमेडियन और अभिनेता जसपाल भट्टी की कार एक ट्रॉली से टकरा गई थी। इस दौरान वो बुरी तरह घायल हो गया और इनका हादसे में 57 साल की उम्र में मौत हो गई। इसी के साथ इस लिस्ट में अगला नाम जतिन कनकिया का है। एक्टर जतिन कनकिया श्रीमान श्रीमती शो में फेमस हुए थे और इसके ये शो दूरदर्शन पर आया करता था। इस दूरदर्शन से उन्हें लोकप्रियता हासिल हुई और उनका अपना एक प्लेटफॉर्म बना। इस शो से हिट होने के बाद जतिन कनकिया ने केसु दिलरुबा जी, कोकी और प्रेमा जी को भूलना आसान नहीं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, द कपिल शो से भी काम किया और इस वजह से उन्हें प्रिंस ऑफ कॉमेडी भी कहा जाता है। लेकिन सबको हंसाने वाले जतिन कनकिया को कैंसर जैसी बीमारी ने घेर लिया। 46 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। वेल दोस्तों, आप क्या इन पांचों एक्टर को जानते हैं और क्या आपको इनके निधन के बारे में पता था? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही तमाम ऐसी और खबरों को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।